आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो एटीएम होती, एटीएम मशीन होती, अगर हम वहां अपने पैसे निकालने जाते हैं, कुछ वक्त तक हम अपने पैसे जब वहां बाहर एटीएम से आ जाते हैं मशीन से, तो हम उसे अगर नहीं लेते तो वो वापस क्यों अंदर चले जाते हैं, इसी टेक्नोलॉजी के बारे में, इसी के बारे में आज हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। हाय फ्रेंड्स, हम सूर्य। आज के टाइम की एटीएम मशीन से वो काफ़ी स्मार्ट हो चुकी हैं। वो जो बैंक होते हैं, बैंक के ऑफिस उससे फुल्ली मतलब अटैच होते हैं, उससे एकदम फिक्स रहते हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी काम हो रहा है तो वहाँ पर उसे देखा जाता है, वहाँ मॉनिटर किया जा सकता है, यहाँ की सारी गतिविधियाँ वहाँ पर की जाती है। दरअसल ये जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी लाई गई, सिस्टम लाया गया, तो इसके आपको ही फायदे हैं, क्योंकि अगर आप मानिए आपने अपना पिन, पासवर्ड, एटीएम कार्ड सब कुछ फिक्स कर लिया, पैसे आपके बाहर आए और आपके ऊपर कोई उसमें बंदूक तान ले, तो वो पैसे कुछ वक्त तक बाहर रहेंगे, फिर अंदर जा सकते हैं। या आपका बीपी बढ़ गया, शुगर बीपी लो हो गया, या चक्कर आ गया, कुछ भी हो गया, बेहोश हो गए, तो उस कंडीशन में आपके पैसे की सुरक्षा आपकी, आपके ना रहते हुए भी हो, या इस कंडीशन में वो अंदर चला जाते, क्योंकि आपका पैसा कोई और ले ना पाए, क्योंकि वो एक सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। क्योंकि अगर आपको पैसा लेना है तो आपने एटीएम कार्ड डाला, अपना पिन डाला, पासवर्ड डाला, सब कुछ किया, तो जब पैसे आएंगे तो बीप 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 की आवाज़ आती रहेगी, आप उसके वक्त रहते आप ले लेंगे, आपको क्या आवश्यकता है उसके साथ वेट करने की, आप वेट नहीं करेंगे, और वेट जब आप नहीं करेंगे वो अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के बाद वो आपके जो पैसे हैं वहाँ पर ट्रांजेक्शन वो हो जाता है, मतलब ट्रांजैक्शन फेल हो गई, तो वो आपके खाते में फिर से अकाउंट में पैसे ऐड हो जाते हैं। इसमें हो सकता है 10-20 मिनट का टाइम लगे, 1-2 घंटे भी लग सकता है, इसके बाद वो आपके अकाउंट में ऐड कर लिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक अच्छी आपके लिए सुविधा, ये कोई टेंशन की बात नहीं है, ये अच्छी बात है। और आपके साथ अगर ऐसा तो आपको घबराने की भी कोई आवश्यकता, क्योंकि वो लगभग 1 घंटे में आपके अकाउंट में पैसे ऐड कर लिए जाएंगे, क्योंकि वो फुल्ली बैंक से कनेक्टेड होते हैं, पूरा मतलब ऑपरेट बैंक के अंदर से भी किए जा सकते हैं। तो उनकी जो टेक्नोलॉजी होती है, तो वो सिस्टम होते हैं, वो बता देते हैं बैंक को कि ये ट्रांजेक्शन फेल हो चुका, इनके अकाउंट में पैसे ऐड कर लिए जाए, इसके लिए वो एटीएम मशीन रिक्वेस्ट सेंड कर देती है। तो इस रिक्वेस्ट के अप्लाई को ध्यान में रखते हो, बैंक वाले उसे आपके ट्रांजेक्शन में जो पैसे निकाला जाए उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर, कैंसिल तो हो ही चुका होता है, वो उस पैसे को आपके खाते में दोबारा ऐड कर देते हैं। तो बस यही आपके लिए टेक्नोलॉजी बनाई गई, इसमें आपको टेंशन की कोई बात नहीं। और ये आपने, आपका प्रश्न था, हमने इसका जवाब दे दिया कि क्या होता है, कैसे होता है, आपने समझ लिया। तो ये एक टेक्नोलॉजी, और जहाँ पर पैसे रखें वहाँ जाकर पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो बस यही बात है, आपको वीडियो किसी काम का लगा हो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।